हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हेलो गाइस, दिस इज मी उत्तम पराजुली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार तुम सबके अच्छे आएंगे, 90 तो कहीं नहीं गए, लेकिन तुम लोगों में से 10% ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके 90 नहीं आएंगे, 80 भी नहीं आएंगे, 70-60 आएंगे, या फिर हो सकता है उससे भी कम। मुझे पता है वो लोग क्या सोच रहे होंगे, यार ऐसे मार्क्स में तो कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा करियर बर्बाद। सबसे पहले नहीं, ऐसा नहीं है, चिल मारो, मार्क्सिज्म के चक्कर में मत पड़ो यार। एक 12th का रिजल्ट तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता। सबका ना यार अपना अपना पैशन होता है जिसके अंदर उन्हें मेहनत करने में मजा आता है, तो यार उसको फॉलो करो, यही टाइम है फॉलो करने का। अगर थोड़ी देर और कर दी तो भैया लेट हो जाएगा। मुझे पता है ये मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, लेकिन प्लीज मीडियोकॉन बन के मत रहो, अपने पेरेंट्स को समझाओ यार। कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे ये करना है मैं इसमें खुश हूँ, मुझे डायरेक्टिंग करनी, एक्टिंग करनी, जो भी करना है उसमें मैं खुश हूँ, मैं वो करूँगा, इसमें मुझे मजा नहीं आता, मैं ये नहीं करूँगा। तुम्हारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, मानो या ना मानो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जरूर लेंगे, बट एट वन पॉइंट तुम्हें भी रियलाइज होगा कि हाँ वो भी इंसान ही है, एट द एंड तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम ही ले सकते हो। कौन ले सकता है? तुम, सिर्फ तुम ही ले सकते हो और कोई नहीं लेगा। आई नो लेनी चाहिए, बट सब पे अपनी ही बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वो तुम्हें कैसे टाइम दे, तुम्हें अपने आप को टाइम देना है, समझ रहे हो। जब से तुम यहाँ पर पैदा हो जाते हो तब से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, मानो या ना मानो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जरूर लेंगे, बट एट वन पॉइंट तुम्हें भी रियलाइज होगा कि हाँ वो भी इंसान ही है, एट द एंड तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम ही ले सकते हो। कौन ले सकता है? तुम, सिर्फ तुम ही ले सकते हो और कोई नहीं लेगा। आई नो लेनी चाहिए, बट सब पे अपनी ही बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वो तुम्हें कैसे टाइम दे, तुम्हें अपने आप को टाइम दे।
पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बांझों से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा टूट जाता है। अरे क्या बात है यार, भाई कला कहाँ से स्पीड होता है, कैसे होने भाई और ये चीजें एंग्जाइटी मजाक की बात नहीं है, ये फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा कभी ना कभी, जब तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम एक लो पॉइंट पे आओगे, बट आई वुड से जब ये लो पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तुम्हारे पास जब जितनी प्रॉब्लम से तुम डील करोगे उतने तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे और तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तो प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो, उसे बोलो आ जा मैं आता है, तू भी आ, दोनों लड़ेंगे मिलके, और फिर देखो हैप्पी एंडिंग हमेशा होती है, रिमेंबर दिस। अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो, अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो, ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया, बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो। हैपेंस, जिंदगी खूबसूरती से निकल गई, दिल बेचारा महसूस करना चाहता था, जिन पलों को मैंने जिया है उन्हें फिर जीना चाहता था। बिगड़ा हो गया, बिगड़े रहा।